के सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है जिसका नाम है रेविट। कहीं ना कहीं नाम आपने सुना होगा, किसी जॉब की ओपनिंग्स पर सुना होगा, किसी कंपनी में सुना होगा, किसी सिविल इंजीनियर से सुना होगा, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का नाम आपके दिमाग में गया होगा। जाने के बाद क्या कभी आपके दिमाग में एक उपज आई, यार ये सॉफ्टवेयर को बनाया किसने, मतलब कौन सी कंपनी ने बनाया, इस समय कौन सी कंपनी है जो इसको सेल करती है, या फिर इसको किसने, किस डेवलपर ने बनाया होगा, या फिर इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता होगा। इस तरीके की एक भी सवाल अगर आपके दिमाग में आए हैं तो कोशिश करूंगा आज उन सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। और मैं थोड़ा सा ये वीडियो शायद बड़ा बनेगा क्योंकि मैं थोड़ा इसको डेप्थ में जाके बताने का प्रयास करूंगा, तो आपसे बस छोटी सी उम्मीद करूंगा कि आप अपने फोकस को मेंटेन रखना, मेरे हार्डवर्क को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहें तो कमेंट करके अप्रिशिएट भी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर की। गाइस जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बीम इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उसका मेन रीजन ये है कि हर कोई चाहता है आज के टाइम पे कि जो मैं सपना देख रहा हूँ वो सामने से रियलिस्टिक हो जाए, और उसको रियलिस्टिक करने का काम कोई कर रहा है तो एक बीम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। बीम कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है, बीम एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें बहुतायत प्रतिशत जो है, मतलब जो शेयर का जो सबसे बड़ा भाग है वो रेविट के हाथ में है। इसीलिए रेविट सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिल रहा है। जहां देख रहे होंगे आप लोग ढेर सारी ओपनिंग्स रेविट से रिलेटेड, बीआईएम में अगर कोई ओपनिंग्स है तो रेविट उसमें जरूर से जरूर प्रयोग किया जा रहा होगा, कुछ कंपनी को छोड़ देंगे तो, जरूरी नहीं कि 100%, ठीक है। तो इतना ग्रोथ हो रहा है तो इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने? तो गाइस इस सॉफ्टवेयर को एक्चुअली में ये जितना आप जानते हो उससे थोड़ा सा और डेप्थ में है। क्या डेप्थ में है? इसे 1997 में ही बना दिया गया था। कौन बनाया था? चार्लेस रिवर करके कंपनीज थी, चार्लेस रिवर टेक्नोलॉजी करके कंपनी थी। उन्होंने कुछ समय के बाद, क्योंकि नाम उनको शायद अटपटा लगा होगा, तो उन्होंने फिर कुछ समय के बाद रेविट टेक्नोलॉजी करके कंपनी रजिस्टर्ड किया सन 2000 में, ठीक है। कब? सन 2000 में रजिस्टर्ड किया, बन चुका था 1997 में, बट रजिस्टर्ड किया, इन्होंने रीनेम किया अपनी कंपनी का नाम और 2000 में, और ऑटोडेस्क ने देखा कि एक सॉफ्टवेयर बेहतरीन है तो ऑटोडेस्क ने इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर लिया, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को मींस जिसने बनाया था वो C++ पे इन्होंने कोडिंग किया था। किस पे किया था गाइस? C++ एक लैंग्वेज जिस पर कोडिंग किया था, इरविन करके डेवलपर थे, ठीक है, इरविन और एक रिजवान समथिंग करके डेवलपर थे, मैं उनका नाम लगा दूंगा। तो ये दो डेवलपर्स थे जो जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को कोडिंग किया था। आजकल वो लोग क्या बोलते हैं, क्रियो वगैरह जो मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर है उसकी कोडिंग उन लोगों ने भी किया है, तो काफी डेप्थ में सॉफ्टवेयर की कोडिंग हुई है C++ पे। अब 2000 में जब इसको रजिस्टर्ड कर दिया गया, उसके बाद 2002 में इसको ऑटोडेस्क ने परचेस कर लिया, और फिर ऑटोडेस्क ने इस पर अपने अकॉर्डिंग काम किया और डेप्थ में इसके तीन बच्चे प्रोड्यूस हुए। कौन कौन से प्रोड्यूस, मतलब पार्ट्स हुए, जैसे भी, मैं थोड़ा इसको कहानी माध्यम में रखना पसंद करूंगा। और आज मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि हर एक सॉफ्टवेयर को कहानी के तरीके से समझाया जाए और कहानी की तरह से इसको समझा भी जाए जिससे मजा भी आए। तो इसके तीन बच्चे हुए, एक का नाम था रेविट आर्किटेक्चर जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, उसके बाद एक का नाम है रेविट स्ट्रक्चर, वो भी ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन देने का प्रयास कर रहा है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर से, और एक का नाम है रेविट एमईपी, उसने भी अपना बहुत हद तक मार्केट जो है कैप्चर कर लिया है। तो आप लोग जॉब अगर देख रहे होंगे तो या तो रेविट आर्किटेक्चर पे दिखता होगा या फिर रेविट स्ट्रक्चर या फिर रेविट एमईपी, मतलब एसी इंडस्ट्री का कुछ भी काम करना है, ठीक है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कुछ भी काम करना है उसमें रेविट सॉफ्टवेयर की सहभागिता अनिवार्य हो चुकी है मुख्यतः। तो इस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है गाइस। अब बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर में जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, वो चार फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो फाइल फॉर्मेट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है इसलिए कि हम किस किस फाइल में इसको सेव कर सकते हैं, जैसे कि rvt.rvt करके फाइल फॉर्मेट होता है जो कि इसका सिंपल, कोई भी रेविट वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे आप .rvt में इसको सबमिट करते हैं। उसके बाद .rte होता है, उसके बाद .rft होता है, .rfa होता है। इस चार फाइल फॉर्मेट्स में रेविट की फाइलें, रेविट प्रोजेक्ट टेम्पलेट की फाइलें, रेविट फैमिली की फाइलें सेव की जाती हैं। और रेविट के बारे में और डेप्थ में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि सर आर्किटेक्चर पे ही पूरा एक डेप्थ बताइए। इसको मैंने एक तरीके से स्टोरी टेलिंग जैसा कुछ बनाने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चलिए जय हिंद जय भारत। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि सर इस सॉफ्टवेयर के बारे में और डेप्थ में बताइए, हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।